यहाँ पर सभी स्टोर के एंट्रेंस इतने मस्त बनाए इन लोगों ने। पिक्चर आपको मिलेगी देखने के लिए। Hey guys, तो स्वागत करता हूँ आपका मैं एक नई वीडियो में ओसाका से। अभी ना दोपहर के 12 बज रहे हैं। एक्चुअली कल रात को मैं रोम रोम जी से मिला था। अगर आप जापान के वीडियोस देखते हो तो जानते होंगे उनको, यूट्यूबर है। कल पूरी रात में उन्हीं के साथ था रात को, तो उस वजह से थोड़ा लेट उठा हुआ मैं। तो अभी आज हम ओसाका को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी सबसे पहले कॉफ़ी ले लेते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं ओसाका सिटी को। थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, वो भी कर लेंगे आज। पता नहीं आज हॉट कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, कोल्ड कॉफ़ी नहीं पीनी आज। सही बात सही। हॉट कॉफ़ी मीडियम मीडियम ब्लैक कॉफ़ी। दिस इज चिल्लर का बहुत वो है, ये जो पैसा है यहाँ पे डालना पड़ता है। यहाँ से 10 सेंट मुझे वापस देगा। अरे यार, तो यहाँ पे चिल्लर बहुत यूज़ करते हैं लोग, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है चिल्लर यूज़ करना। कॉफ़ी की जो प्राइस है ना जापान में, मुझे बहुत सस्ती लगी। एक्चुअली कुछ 200 येन के आसपास होता है। 200 येन हमारे इंडिया के कितने होते हैं, 120 रुपए के आसपास होता होगा शायद। जबकि यही कॉफ़ी अगर मैं न्यूजीलैंड में पीने जाता तो कुछ $5 के आसपास पड़ती मुझे। बट इसको न्यूजीलैंड में अगर कंपेयर करूँ तो कुछ बस $2-3 होता है सिर्फ। तो ये जो ओसाका सिटी है ना, यहाँ पर एक्चुअली करने के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है जितनी आपको टोक्यो में मिलेगी। इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं तो वो लोग यहाँ से क्योटो और नारा वैसे ही जो डे ट्रिप्स होती है वो सब बुक करा लेते हैं। तो आज मुझे भी वहीं करना है, 2-3 डे ट्रिप बुक कर लूँगा कल और परसों के लिए। और आज बस यहाँ पे घूम के देखता हूँ कि कैसी है सिटी, क्योंकि इतना कुछ खास है नहीं यहाँ पे। मतलब शॉपिंग के लिए है, नाइट लाइफ के लिए अच्छी है, बट ऐसे जो अट्रैक्शन होते हैं जो टोक्यो में मैंने दिखाए थे आपको, वो सब यहाँ पे बहुत कम मिलेंगे। तो आज ना 31 अक्टूबर है, उसका मतलब आज हेलोवीन की नाइट है। तो मुझे एक कॉस्ट्यूम ख़रीदना है पहले तो हेलोवीन के लिए, क्योंकि आज रात ये वाली जो जगह देख रहे हो आप थोड़ी आगे जाके, वहाँ पे हेलोवीन सेलिब्रेट होने वाली है। और आई थिंक मैंने जितनी भी कंट्रीज़ की हेलोवीन पार्टीज़ देखी होगी, जापान की सबसे क्रेजी होती है। और मेरे ओसाका आने का वन ऑफ द रीज़न भी वही था कि मैं यहाँ पे हेलोवीन सेलिब्रेट कर सकूँ। मैं वैसे अकाशी बनने की सोच रहा हूँ, बट देखते हैं कौन सा कॉस्ट्यूम मिलता है वहाँ पर। ये वाला जो स्टोर है ये बहुत ही फेमस है शॉपिंग के लिए, और जो मतलब सभी चीज़ें मिल जाती है ऐसा बोलो तो भी चलेगा यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है कि टैक्स फ्री मिलता है यहाँ पे हमारे लिए, बट उसकी कोई लिमिट होती है। एक लिमिट के ऊपर अगर आप शॉपिंग करते हो तभी जाके टैक्स फ्री होता है। तो ये मास्क हेलोवीन वाले। गोकू बन जाओ क्या आज, या वेजिटा जियान बन जाता हूँ। ये सारे कॉस्ट्यूम्स है यहाँ पर, कुछ 4000 येन में बिक रहे हैं, और ये वाला भी 4000 येन में। ये सारे लड़कियों के कॉस्ट्यूम, आई थिंक क्योंकि हेलोवीन आ रही है ना तो इन्होंने प्राइस थोड़ी अप कर दी है। बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी मैंने कि यहाँ जो प्रोडक्ट्स है वो कई सारे प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना है रेदर के मेड इन जापान। सोल्ड आउट। अरे गाते नो। तो भाई ये पूरा स्टोर कुछ 6 से 7 फ्लोर का होगा, और मुझे जो चीज़ चाहिए वो इनके पास नहीं है, सोल्ड आउट हो गई है। तो फिर क्या मतलब इतने बड़े स्टोर का। कोई नहीं, फिर भी थोड़ा घूम लेते हैं ऐसे वैसे, देखते हैं क्या है, कुछ है कि नहीं देना ना। तो अगर इंटरनेट पे कभी भी आप ओसाका सर्च करोगे तो ये वाली पिक्चर आपको मिलेगी देखने के लिए, और सब लोग यहाँ पे इसी के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। एक्चुअली ये पोस्टर में ख़ास बात यह है कि ये वाला पोस्टर जो है वो 1935 को यहाँ पर इंस्टॉल किया था इन लोगों ने, और तब से यहाँ से हटाया नहीं ये पोस्टर। ये कोई एथलीट है, जैपनीज एथलीट, कुछ ओलंपिक में कुछ पार्ट लिया था इसने, कुछ गोल्ड मेडलिस्ट होगा शायद। जो ब्लू कलर का आप ट्रैक देख रहे हो तो कुछ ब्लू कलर के ट्रैक की रेस होती है, जितना मुझे पता है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो उसमें चैम्पियन था ये, और 1935 से ये पोस्टर यहाँ पर लगाया और फिर हटाया नहीं। दूसरे सारे पोस्टर हट गए होंगे यहाँ से, तो इस वजह से ये पोस्टर यहाँ पर फेमस है और सभी लोग लाइन लगाते हैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए उसके लिए। और ये वाली जो स्ट्रीट है इसका नाम है नांदेन दोरी, ऐसा कुछ नाम है, मैं नीचे लिख दूँगा।
ये मेन अट्रैक्शन है ओसाका का, अगर आप ओसाका आते हो घूमने के लिए ये चीज़ आप मिस नहीं कर सकते। और आज रात जो हेलोवीन पार्टी होने वाली है वो भी इसी एरिया में होने वाली है, तो उसका भी वीडियो आ जाएगा इसके बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। अभी तो हम चलते हैं उसके अंदर उस साइड कुछ, यहाँ पर एक एबीसी मार्ट करके एक सूट शॉप है, वहाँ से मुझे कुछ जूते लेने हैं। मैंने चेक करा है कि यहाँ पे जूते एक्चुअली में सस्ते मिलते हैं कंपेयर टू न्यूजीलैंड, इंडिया का मुझे इतना पता नहीं है। ये देखो स्पाइडरमैन आ गया, साइकिल लेके आया लगता है अपनी। ये वाली जो पूरी स्ट्रीट है बहुत ही लंबी स्ट्रीट है एक्चुअली में, मुझे लगता है 2-3 किलोमीटर की तो होगी, क्योंकि आगे भी जाके कंटिन्यू रहती है और मेरे पीछे भी कंटिन्यू है। ये रहा एबीसी मार्ट। तो भाई जूतों की प्राइस देख लो आप, जो जैपनीज येन की जो प्राइस है ना मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना कि कितने में जूते पड़ रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली मुझे कौन से जूते लेने हैं मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैं कल आया था यहाँ पर और मैंने देख लिया था कौन सा लेना है मुझे, बस मेरी साइज़ का यहाँ पर मिल जाए शूज़ तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर इस शूज़ की प्राइस 18,000 है टैक्स के पहले, और टैक्स के बाद कुछ 20,000 हो जाती है। तो यहाँ पर सीन ये है कि अगर आप 55,000 येन से ज़्यादा की शॉपिंग करोगे तो ही आपको टैक्स फ्री मिलेगा, वरना तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा चीज़ पे। तो मुझे ये शूज़ कुछ 2,000 येन के पड़ेंगे, जो कि इंडिया के शायद 10-11,000 के आसपास होते हैं। बट अगर यही शूज़ मैं न्यूजीलैंड में लेने जाता तो मुझे कुछ 15,000 या 16,000 के पड़ते, और वैसे भी ये वाले शूज़ अब थोड़े पुराने हो गए मेरे, तो चलो इसके पैकिंग कराते हैं। भाई यहाँ पर भी मुझे जो वाला जूता चाहिए वो सोल्ड आउट हो चुका है, तो दूसरे स्टोर में जाना पड़ेगा, नसीब भी अच्छा नहीं है मेरा। मैं ना इजीली शॉपिंग नहीं कर पाता, मैं कभी कुछ शॉपिंग करने जाता हूँ मुझे लगता है ये इंडिया में सस्ता मिलेगा तो फिर मैं वो चीज़ रख देता हूँ वापस, और जब मुझे कुछ सच में लेने का मन करता है तब तो वो चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है यहाँ पर। तो मैं अभी आप लोगों को जो ओसाका का मेन टावर है वहाँ पर लेके जा रहा हूँ। उस टावर का नाम है कुछ तेनसू काकू ऐसा करके कुछ नाम है, तो वो वाला जो टावर है वो भी टोक्यो का जो टावर बना था उसी टाइम के आसपास बना था ओसाका में, तो वो भी एक यहाँ की एक टूरिस्ट अट्रैक्शन और मेन डेस्टिनेशन है घूमने के लिए। और ये हम घूम फिर के वापस वहीं आ गए जहाँ से स्टार्ट किया था, बट यहाँ से कुछ 15 मिनट की वॉक है मुझे। एक्चुअली मैं साइकिल रेंट करनी है यहाँ पर, साइकिल से ईजी हो जाएगा सब कुछ मेरे लिए, बट पता नहीं कैसे साइकिल लेनी है। ये देखो सब लोग यहाँ पर साइकिल ही चला रहे हैं, रेड लाइट है, हम ये वॉक कर लेते हैं। ये बिल्डिंग आपको देखनी ही पड़ेगी कितनी बड़ी है, पता नहीं किस चीज़ की बिल्डिंग है बट ये कुछ गिटार जैसा लग रहा है, तो कुछ म्यूज़िक का होगा इसके अंदर। मैं इंडिया में क्या होता है ना कि एक शॉपिंग सेंटर होता है उसके बाजू में इतने शॉपिंग सेंटर नहीं होते, बट यहाँ पर अलग ही है, एक शॉपिंग सेंटर के बाजू में दूसरा शॉपिंग सेंटर। ये वाला जो पूरा बिल्डिंग देख रहे हो ये ट्रेन स्टेशन है एक्चुअली अंदर से, और इसके अंदर भी शॉपिंग सेंटर भरे हुए हैं। इतने शॉपिंग सेंटर मैंने टोक्यो में नहीं देखे थे जितने यहाँ ओसाका में देखने को मिल रहे हैं। और ये सारी साइकिल पार्किंग इन लोगों की। तो कुछ 2 घंटे हुए होंगे मैं अपने हॉस्टल से बाहर निकला हूँ और चल रहा हूँ, और आज के मेरे 10,000 स्टेप ऑलरेडी कम्प्लीट हो गए और पूरा दिन बाकी है, पता नहीं आज कितने स्टेप होंगे मेरे। बट क्योंकि ये नई सिटी है मैं नई जगह घूम रहा हूँ, मुझे इतनी थकान नहीं हो रही, मज़ा आ रहा है घूमने में। और वो वाली देखो ट्रेन जा रही है ब्रिज के ऊपर से, ये कुछ वॉकिंग स्ट्रीट जैसा बना है इन लोगों ने पूरा यहाँ से। और जो टावर की मैं बात कर रहा था वो वहाँ पर है, एकदम छोटा सा टावर लग रहा है, इतना कुछ टावर के अंदर के लायक भी नहीं लग रहा मुझे तो, बट फेमस है तो क्या कर सकते हैं। अब ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल बाहर, आई थिंक रात को यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक होगी, अभी इतना क्राउड नहीं आया। दुकानें भी एक्चुअली बंद दिख रही है, तो पता नहीं क्या सीन है यहाँ पर क्या नहीं। ये खुला लग रहा है यहाँ जाते हैं। यहाँ पर ना खाने में आपको पोर्क और बीफ ये दोनों ज़्यादा मिलेगा सी फूड के साथ। यहाँ पर भी साउथ कोरिया जैसा ही सीन है, जो चिकन है वो लोग कम खाते हैं बट थोड़ा ढूंढना पड़ता है, इतनी ईजीली नहीं मिल जाता।
बट अगर आप पोर्क और बीफ खाते हो तो बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए खाना यहाँ पे। ये देखो मांस 8,000 येन, मतलब इंडिया के कुछ 4,500 के आसपास। पता नहीं बन बन सा क्यों है यहाँ पे इतना आज। मैं तो सोच रहा हूँ आज इंडियन खाना खाऊंगा, बहुत दिन हो गए इंडियन खाना खाए हुए। और यहाँ पर ना एक चीज़ नोट करी मैंने, आई थिंक ये सभी कंट्री में होगी, कि अगर इंडियन रेस्टोरेंट में अगर आप आफ्टरनून में जाते हो लंच करने के लिए तो वो सस्ता होता है, डिनर करने जाते हो तो वही खाना वो लोग डबल प्राइस पे बेचते हैं। तो अगर आपको पैसे बचाना है तो आप आफ्टरनून में चले जाना लंच खाने के लिए, इंडियन खाना अगर आपको खाना है। ये देखो माचा आइसक्रीम ट्राई करता हूँ। तो माचा अगर आपको नहीं पता तो माचा में से ग्रीन टी बनता है, ग्रीन टी को अगर आपको बनाना है तो माचा को प्रोसेस करोगे तब जाके ग्रीन टी बनेगी। तो जो माचा होता है वो लाइक थोड़ा कड़वा होता है टेस्ट में, बट अभी तक मैं जापान आया हूँ और माचा टेस्ट नहीं किया मैंने, तो ट्राई कर लेते हैं। ये वाली ले लेते हैं कुछ 130 येन की है। पता नहीं कहाँ से क्या करना है, अंदर जाके पूछता हूँ। सुई माचा है, माचा आइसक्रीम तो निशुल्क आ रही है, दो चीज़ 130 येन दिस। ओह ये दिस वन, दिस वन यस 130 येन। तो ये रही भाई मेरी पहली माचा आइसक्रीम। एक्चुअली मैंने न्यूजीलैंड में माचा खाया हुआ है तो मुझे थोड़ा टेस्ट पता है उसका, बट कुछ 5 साल हो गए उस बात को, तो फिर से ट्राई कर लेते हैं। एकदम ग्रीन टी जैसा स्वाद है बट थोड़ा अलग है उससे, अभी डिस्क्राइब करना मुझे आता नहीं टेस्ट को, बट आप खा लेना कभी आपको पता चल जाएगा कैसा टेस्ट है। मतलब स्वीट भी है, बिटर भी है और चाय जैसा टेस्ट भी आ रहा है इसका। आई थिंक ये वाला जो स्ट्रीट है ये फ्रंट स्ट्रीट है और हम पीछे वाली स्ट्रीट से आए, इसलिए शायद दुकानें बंद थी। बट हिताची का वहाँ पे एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है, शायद कोई स्पॉन्सरशिप होगी उनके साथ। और यहाँ पर जो फ्रंट वाली जो शॉप्स है यहाँ पे सब कुछ खुला है। यहाँ पर सभी स्टोर के एंट्रेंस इतने मस्त बनाए इन लोगों ने कि अंदर जाने का मन करता है। लेना कुछ नहीं है बट फिर भी ऐसा मन करता है कि अंदर घूम के आए एक बार। ये देखो यहाँ पे मस्त जैकेट मिल रहा है, ये कुछ नारुतो का जैकेट है, बट प्राइस इसकी बताऊँ तो कुछ 10,000 येन, 10,000 येन कुछ ज़्यादा ही प्राइस है। चलते चलते मुझे यहाँ पे एक मस्त शॉप मिली है, यहाँ पे आप कुछ 1,000 येन में आपको 10 एरो मिलेंगे और यहाँ पे आप एरो मार सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ, देखते हैं मेरा निशाना कैसा है। यहाँ पे तो भाई वो रहे मेरे निशाने, एक भी मतलब गया नहीं उसके अंदर, बट आजू बाजू में बहुत सारे गए। जितना लगता है उतना आसान नहीं है बट मज़ा आया करने में। अरिगातो गोज़ाइमास, बाय। तो जितना दिखता है उतना आसान नहीं था बट मज़ा आया करने में। तो अभी शाम के कुछ 5 बज चुके हैं और मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो ख़त्म करने से पहले यहाँ पे एक फेरी होती है, फेरी से एक राउंड मार लेते हैं। यहाँ पर पहले बुकिंग करानी पड़ेगी इसकी, पता नहीं कहाँ पर होता है ये सब, पहली बार आया हूँ मैं भी। सी मच से वे टू बाई चिकन ठीक है। तो कुछ 1200 येन लगते हैं इसके, 1200 मतलब इंडिया के 600-700 रुपए के आसपास। तो वो तो करने के बाद ही पता चलेगा कि वर्थ है कि नहीं है, बट मेरे बाजू में ये लाइन लगी है लंबी सी, ये कुछ चीज़ जैसा कुछ बना रहे हैं उसके लिए। बहुत ही स्वीट स्मेल आ रही है मुझे यहाँ से इसकी। ये बैठ गए हम बोट में, कुछ 20 मिनट तक घुमाएगी हमें ये बोट इधर उधर, बट मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो रिवर है वो मेन रिवर है ओसाका की, तो यहाँ से जितने भी अट्रैक्शन है वो सारी यहीं से दिख जाएगी हम लोगों को।
तो भाई मज़ा आ गया बोट में जाके, कुछ 20 मिनट तक घुमाया उन लोगों ने बोट में, आपने जो सिनेमैटिक देखा होगा वही सब हुआ था। और एक बात पता चली मुझे, ये वाली जो रिवर है यहाँ पे, ये एक्चुअली में कोई रिवर नहीं है, ये एक्चुअली में एक कैनल है जो 400 साल पहले बनी थी बिजनेस के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस होता है उसके लिए बनी थी। और अभी ओसाका में ऐसी सिर्फ दो ही बच्चे हैं, एक ये वाली और एक दूसरी वाली है। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली और मज़ा भी आया। अभी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और रात को हैलोवीन का वीडियो बनाऊंगा मैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।